गुड मॉर्निंग आज हम रिविजन करेंगे इंग्लिश का ये वाली बुक जो हमारी अल्फाबेट वाली बुक है अल्फाबेट ए उसमें है पेज नंबर सिक्सटी सिक्स एंड सिक्सटी सेवन ओके सिक्सटी सिक्स एंड सिक्सटी सेवन में हम क्या करेंगे रिविजन ओके okay, अभी ये कौन सा लेटर है हमको क्या करना है यहाँ पे मैचिंग मैच द लेटर टू फ्रेंड्स एंड प्रैक्टिस रिराइटिंग दैम बिलो ठीक है ये है सी फॉर कप जी फॉर got, एस फॉर सन ओ फॉर ऑरेंज क्यू फॉर queen, जे फॉर jelly. सो so, हमको यहाँ पे ये पिक्चर्स दिए हैं उसमें क्या करना है मैचिंग ओके okay, अभी ये है सी फॉर कैट ठीक है सी फॉर कैट यहाँ पे सी फॉर कप दिया है सो so, सी को कप से क्या करेंगे मैच सी फॉर कप जी फॉर गोट सो झी को ये वाले डॉट से हम मैच करेंगे फिर है एस फॉर सन वॉट इज दिस एस फॉर सन सो एस फॉर सन को यहाँ पे मैच करेंगे फिर यहाँ पे क्या है ओ फॉर ऑरेंज सो ओ फॉर ऑरेंज यहाँ पे है सो so, उसको हम ऑरेंज के साथ मैच करना है क्यू फॉर क्वीन जे फॉर जैली ओके सो क्यू फॉर क्वीन को क्वीन के साथ मैच करो फिर है जे फॉर जैली जे फॉर जोकर ऐसे आपको बोलते जाना है ना आपको मैचिंग करनी है मैचिंग करने के बाद ये जो लेटर्स है उसको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है ये कौन सा लेटर है पिंक लाइन से डॉट के ऊपर से पिंक लाइन ब्लू लाइन ट्रेसिंग सी फॉर केक सी फॉर काफ सी फॉर केक सी फॉर कप और ये क्या है जी फॉर गोट जी पहले सी जैसा करना है फिर स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन फिर ये कौन सा लेटर है विच लेटर इज दिस एस फॉर सन पिंक लाइन टू ब्लू लाइन कप करो फिर वैसे ही यहाँ पे जो टू लाइंस दी है उसमें प्रैक्टिस करना है यहाँ से पिंक लाइन से स्टार्ट करके हाफ सर्कल सी फॉर केक सी फॉर कप फिर ये कौन सा लेटर है जी फॉर गोट यस कौन सा लेटर है ये जी फॉर गोट हाफ सर्कल ब्लू लाइन में ऊपर टच करना है स्लीपिंग लाइन छोटी सी स्टैंडिंग लाइन जी फॉर गोट ठीक है टू टाइम्स आपको लिखना है फिर विच लेटर इज दिस एस फॉर सन ऐसे आपको ट्रेसिंग करके पिंक लाइन ब्लू लाइन में प्रैक्टिस करनी है ठीक है ऐसे हो गया फिर यहाँ पे भी ये जो लेटर दिए हैं टू पेजेस में ये आपका रिविजन वर्क है ये कौन सा लेटर है पिंक लाइन टू ब्लू लाइन ड्रेसिंग ओ फॉर ओरेंज वापस पिंक लाइन से ब्लू लाइन करके ओ फॉर ऑरेंज ओ फॉर ओरेंज ये है क्यू पहले ओ फॉर ऑरेंज करना है देन बीच में स्लैंटिंग लाइन Q for Queen, Q for Queen, ठीक है ये इसमें ये बुक जो है उसमें प्रैक्टिस आपको करनी है Q for Queen, फिर ये है स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कब जे फॉर जैली पिंक लाइन में स्लीपिंग लाइन देन मिडल से स्टैंडिंग देन कर्व, जे फॉर जैली जे फॉर जैली ये आपको आज का वर्क है कर्व्स वाले जो है वो लेटर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, सी फॉर कैट सी फॉर कब सी फॉर केक जी फॉर गोड G for gate, G for gun, S for sun, S for ship, S for sun, O for orange, O for onion, Q for queen, Q for quilt, J for jelly, J for joker, एंड यहाँ पे जो लेटर्स है उसके साथ उसके फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके आपको मैच करना है ठीक है जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एलोमैन पी एलमैन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड ओके okay, ये ए बी सी डी आपको लर्न भी करनी है जैसे टीचर ने सिखाया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एलम पी एलमैन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जैड ओके ऐसे आपको पूरी बोलनी आनी चाहिए एंड आपका जो आज रिविजन वर्क है वो रिविजन वर्क आपको करना है